नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर न्यू अपडेट की कौन सी नई अपडेट आई है साला दर्पण पर वो दे, हम इस वीडियो में देखेंगे साला दर्पण पर आर के एस एम बी के वन और ऐसे टू के नंबर हैं वो अपडेट होना शुरू हो गए हैं साथियों हम जानते हैं कि हमने ओ सी आर अपलोड की थी उन ओ सी आर के हिसाब से जो नंबर हैं वो आर के एस एम बी के एप से साला दर्पण अपडेट हुए थे अब हम उनको भी अपडेट कर सकते हैं तो यही नया ऑप्शन है तो किस प्रकार से हम अपडेट कर सकते हैं उनको देखते हैं सबसे पहले हम साला दर्पण जो इंटीग्रेटेड साला दर्पण है उसको ओपन कर लेते हैं उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है लॉगिन प्रोसेस तो लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आता है ही हम आशा करते हैं उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है तो हम यहाँ जो थ्री लाइन दे रखी है यदि हम मोबाइल में कार्य कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है और कोई भी टेब उनमें से हम खोल लेते हैं जैसे ये यह मैंने यहाँ आर के एस एम बी के ऐप की टेब ओपन कर ली है ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ऑन करते हैं तो एक स्टेप पीछे चला जाता है मोबाइल ऐसा देखने में आया है तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं अब हमने ये टेप खोल ली है तो अब हम जो डेस्कटॉप मोड है मोबाइल का उसको ऑन कर लेंगे डेस्कटॉप मोड कैसे ऑन करते हैं ये आप सभी को आता है जो थ्री डॉट होती है कोने में वहाँ पर जाके हम नीचे स्क्रॉल करके डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर देते हैं अब देखिए यहाँ पर जो आर के ऐप बी के एप है उसमें मुख्य रूप से जो ऑप्शन है उन पे हमको ध्यान ये रखना है सबसे पहला जो हमारा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि सबसे पहले तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको यहाँ मिलेगी स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आपको यहाँ मिलेगी उसके बाद में जो आर के एस एम बी के मार्क अपडेशन की जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे और जो स्टूडेंट्स मार्क हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे तो यदि हम सीधे स्टूडेंट के मार्क देखना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक कर दें यदि हम मार्क्स में अपडेशन करना चाहते हैं किसी के मार्क्स बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद में मार्क्स अपडेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आर्गेशन देखे बी से प्राप्त अंकों में अद्यतन करने के लिए मॉड्यूल सला दर्पण पर दिनांक बीस तीन से पच्चीस तीन तक उपलब्ध रहेगा तो यहाँ से हमको आगे बढ़ना है इस पर हम क्लिक कर देंगे उसके बाद में क्लिक करने के बाद में जो इंटरफेस आएगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा यहाँ डाउन मेनू हमको मिलेगी डाउन मेनू में हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में जो विद्यार्थी हैं उनके जो मार्क्स हैं वो यहाँ शो हो जाते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है जो स्टूडेंट्स के नाम हैं इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ब्लर कर दी है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लर करनी पड़ती है उसके बाद में ऐसे वन और ऐसे टू के मार्क्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं यदि हम इनमें अपडेशन करना चाहते हैं मान लीजिए मैं मैथ्स के मार्क्स का वो अपडेट करना चाहता हूँ तो हम यहाँ एक बार क्लिक कर देते हैं यदि हम मोबाइल से कार्य कर रहे हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा उसके बाद में जो एक्शन बटन हमारा यहाँ है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमसे जो शाला दर्पण है वो ये पूछेगा क्या आप जारी रखना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर ओके करेंगे ओके okay करने के बाद में हमारे सामने जो शेवड सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा और हमारे जो नंबर हैं वो अपडेट हो जाएंगे तो ये सारी की सारी प्रोसेस रहेगी आर के एस एम बी के जो मार्क्स हैं उनको अपडेट करने के लिए तो साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं